फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूदा क्यूबा के दूतावास पर हुए बॉम्ब हमले का मुद्दा दुनिया भर में गहराता जा रहा है। क्यूबा के विदेश मंत्री ने इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि फ्रांस के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि क्यूबा के दूतावास पर हुए बॉम्ब हमले की जाँच हम कर रहे हैं। सोमवार रात हुए इस हमले में दूतावास को मामूली नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही किसी व्यक्ति या संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। पेरिस पुलिस ने बताया कि सोमवार रात दो पेट्रोल बम दूतावास पर फेंके गए, जिससे उसमें मामूली सी आग लग गई। और अब खबर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रू की फ्रेंच पॉलिनेशिया यात्रा की, जहां वो एक एक करके कई द्वीपों की यात्रा कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो खूबसूरत मानही द्वीप की है, जहां राष्ट्रपति मैक्रो का भव्य स्वागत किया गया। दरअसल मैक्रो यहां सुनामी को देखते हुए बनाए जा रहे राहत शिविरों का निरीक्षण करने के लिए आए थे। फ्रेंच पॉलिनेशिया वो देश है जो फ्रांस से हजारों मील दूर दक्षिण प्रशांत महासागर में है और जहां पर फ्रांस का शासन चलता है। इमैनुअल मैक्रो इन दिनों प्रशांत महासागर के इन्हीं द्वीपों की 4 दिन की यात्रा पर हैं, जहां पर वो ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु परीक्षण और क्षेत्र में बढ़ते चीन के प्रभुत्व समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मैक्रो ने शनिवार को ताहिती से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।